आज मैं आपको एक ऐसी वशीकरण करने वाली दिव्या शक्ति की जानकारी देने जा रहा हूं। अगर इस दिव्या शक्ति को आप अपने साथ लेकर चलेंगे तो इससे जैसा भी आप वशीकरण चाहते हैं, अगर आप किसी को भी अपना बनाना चाहते हैं, अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, तो इस दिव्या शक्ति को अपने साथ रखकर किसी के ऊपर भी आप आकर्षण डाल सकते हैं, वशीकरण कर सकते हैं, सम्मोहन कर सकते हैं और संपूर्ण जिंदगी के लिए वह व्यक्ति आपका ही बनकर रह जाएगा। अगर आप बहुत से टोटके, बहुत से उपाय, बहुत से मंत्रों का जाप कर चुके हैं और आपको वशीकरण करने वाली शक्ति की प्राप्ति नहीं हो रही, तब आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें तो आप खुद ही जो वशीकरण करने वाली दिव्या शक्ति है, इसको अपने साथ रखकर आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं, सम्मोहन के बंधन में बांध सकते हैं। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको वशीकरण करने वाली शक्तियों की जानकारी देता रहता हूं और उनसे आप मन चाहे प्यार की प्राप्ति कर सकते हैं, रूठे हुए को मना सकते हैं। कोई व्यक्ति आपको अगर छोड़कर चला जाता है तो उसको आप वापस कैसे ला सकते हैं? अगर आप दोनों में कोई तीसरा व्यक्ति आ चुका है तो उसको आप एक साइड के ऊपर कर कर कैसे अपने प्यार को द्वारा से प्राप्त कर सकते हैं? तो ऐसी जो विधियां हैं, ऐसे जो उपाय हैं, ऐसे जो मंत्र हैं, इस चैनल के माध्यम से अक्सर आपको प्राप्त होते रहते हैं। तो आज जिस दिव्या शक्ति की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, यह ऐसी दिव्या शक्ति है जो आपको भी प्राप्त हो सकती है घर बैठे, लेकिन संपूर्ण रूप से जो विधियां हैं उनकी आपको पालना करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत से साधक ऐसे होते हैं जो वशीकरण शक्तियों का प्रयोग करते हैं, उपाय करते हैं, टोटके करते हैं, तो कई बार उनको फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि वह संपूर्ण विधि को नहीं कर पाते, कोई ना कोई उनसे गलती हो जाती है। इसी कारण उनको जो वशीकरण करने वाली शक्ति है उसकी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वशीकरण की जो देवी है माता श्याम कुर मोहिनी, जो किसी को भी अपने वश में कर सकती है। तो जितनी देर हम उस देवी को जागृत नहीं करेंगे, उसका लुफा भोग प्रसाद देने के बाद या फिर उसके मंत्र उच्चारण करने के बाद, धूप दीप करने के बाद, जितनी देर वह दिव्या शक्ति जागृत नहीं होगी, तो उतनी देर आप किसी को भी वश में नहीं कर सकते। जितनी देर उस देवी का जो पहरा है, वशीकरण की जो देवी है, अगर उसका पहरा सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जाकर नहीं लगेगा, तब तक आपको जो वशीकरण करने वाली शक्ति है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि जब भी माता रानी का आकर्षण होता है, माता श्याम कुर मोहिनी जो वशीकरण की देवी है, तांत्रिक की देवी है, जिसका जो लुफा भोग प्रसाद है तामसिक विधि के द्वारा भी दिया जाता है और सात्विक विधि के द्वारा भी दिया जाता है, तो दोनों रूपों में ही माता रानी की मानता है। मांस मदरा का भोग भी लगता है, बलि वगैरह भी दी जाती है माता रानी को, और सफीदों धाम में माता रानी का मकबरा है जिनसे वशीकरण करने वाली शक्तियों की प्राप्ति होती है। लेकिन सही विधि की जितनी देर आपको जानकारी नहीं होगी, उसका लुफा भोग प्रसाद आपने कैसे देना है, उतनी देर जो शक्ति है आपके साथ
नहीं चल सकते। तो इस वीडियो के माध्यम से यही मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। अगर आप बहुत सी वशीकरण शक्तियों का प्रयोग कर चुके हैं और फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही, तब आप जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, इनकी पूर्ण रूप से अगर आप पालना करेंगे तो आप खुद भी वशीकरण कर सकते हैं। जैसे कुछ साधक हमारे द्वारा वशीकरण करने वाली कीटों की प्राप्ति करते हैं, धागा सूत्र ताबीज यंत्रों की, तो यही आप घर बैठे भी बना सकते हैं केवल सिद्धि के द्वारा। उस सिद्धि के द्वारा आपको माता रानी की जो दिव्य शक्ति है वह आपके साथ चलेगी। जैसे माता बगलामुखी है, अगर हमारा कोई शत्रु है वह हमें परेशान करता रहता है तो उसके लिए हम उसके अनुष्ठान करते हैं, उसके मंत्रों का जाप करते हैं शत्रु विनाश के लिए, उसके नाम के द्वारा या उसकी फोटो के द्वारा। तो आपका जो शत्रु है देखो पराजित हो जाता है, पूर्ण रूप से आपके रास्ते से हट जाता है। इतनी शक्तिशाली ये विधियां होती हैं मंत्रों के द्वारा और माता रानी के जो हवन यज्ञ किए जाते हैं। ऐसे ही माता मसानी मेलडी शत्रु विनाश की देवी है, उनसे भी हम शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं, उनका लोभा भोग प्रसाद देना, और कई टोटके भी काम करते हैं, उपाय भी काम करते हैं। कई बार मंत्र का जाप करने की भी जरूरत नहीं होती, तो उपाय टोटके के द्वारा ही जो दिव्य शक्ति है वह आपको प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही माता मोहिनी है, वशीकरण की देवी है, ये भी टोटकों के द्वारा भी आपको उन शक्तियों की प्राप्ति हो सकती है मंत्रों के द्वारा। और जो पूर्ण रूप से ऐसा चाहता है कि ये दिव्य शक्ति हमारे साथ चले, लेकिन सही कार्य के लिए, क्योंकि देवी की शक्ति है, सही कार्य के लिए ही आप किसी का वशीकरण कर सकते हैं, किसी को प्यार के बंधन में बांध सकते हैं। अगर आप गलत कार्य के लिए इसका प्रयोग करेंगे तो ज्यादा देर आपके साथ ये जो शक्ति है ये काम नहीं करती, आपका पीछा छोड़ देती है तुरंत ही जब किसी गलत कार्य के लिए आप प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले कुछ मंत्रों की जानकारी मैं आपको बताऊं कि जब भी आप इस दिव्य शक्ति को अपने साथ चलाना चाहें तो देवी के कुछ दिव्य मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं घर बैठे। और आपके साथ ये कैसे चलेगी, उसके नाम की कोई ना कोई वस्तु कोई चीज अपने साथ में लेकर चलें, तभी यह जो दिव्य शक्ति है आपके साथ चलेगी। जैसे हमारी रक्षा के लिए रक्षा सूत्र धागे वगैरह होते हैं या ताबीज यंत्र वगैरह होते हैं, ऐसे ही माता श्यामपुर मोहिनी की जो दिव्य शक्ति है कुछ वस्तुओं से आपके साथ चल सकती हैं। अगर आप किसी को भी अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, सम्मोहन करना चाहते हैं, तो उसके लिए जब भी किसी मंत्र का जाप करें, पहले उसका मैं आपको कुछ देखो लोभा भोग प्रसाद बताऊं। जैसे जे आप दरबार मंदिर देख रहे हैं तो ऐसे ही अपने घर के बने मंदिर में आप बैठकर किसी भी आसन के ऊपर, क्योंकि वहां पर तो शुद्धता ही होती है, जहां पर आपका घर का मंदिर होता है पूर्ण रूप से शुद्धता ही होती है, जल वगैरह सारा भरा रहता है वहां पर। तो उसके बाद एक दीपक माता रानी के नाम का रोशन करें, तिलों के तेल का या चमेली के तेल का। उसके बाद देखो एक ही लूफा में बिल्कुल सरल विधि के अनुसार आपको बता रहा हूं किसी को वश में करने के लिए, ये जो भोग प्रसाद है आप हर रविवार को देते रहे, सात प्रकार की मिठाई का एक एक पीस, एक मीठा पान और एक देखो चमेली या तिलों के तेल का दीपक और दो अगरबत्ती मंदिर में रोशन करें। ये सारा लोभा भोग प्रसाद सामने रखें, पहले वह जो दीपक आपने रोशन किया ना उसके ऊपर से सात बार घुमा लें, फिर अपने सर के ऊपर से सात बार घुमाकर आपने उसके सामने रख देना है। उसके बाद आप किसी भी वस्तु को सिद्ध कर सकते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले रुद्राक्ष की माला, तभी आपको इन मंत्रों की शक्ति की प्राप्ति होगी। जो वेदियां हैं उनकी पालना करें, ऐसे रुद्राक्ष की माला आपके हाथ में होनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला से आपने इन मंत्रों का जाप करना है। मंत्र बहुत से मंत्र हैं माता रानी के चैनल के ऊपर डाले हुए हैं, जैसे चलनी मोहिनी नहावन चलिए, दिल की आग बजावन चलिए, राजा लुटिया प्रजा लुट ली लुट लिये जहान, जो मेरी और तके झुक झुक करे सलाम,
जो ना करे सलाम माता श्याम कुर मोहिनी, तू करे उसकी नींद हराम। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति देखूं माता श्याम कुर मोहिनी, तेरे शब्द का तमाशा। और दूसरा जो मंत्र है, जैसे आप तेल का दीपक रोशन करते हैं, तेल तेल महातेल, देखूं माता श्याम कुर मोहिनी, तेरे मंत्र का खेल। सोई हो तो जगा, बैठी हो तो उठा, मेरी ऐसी चाल चले, मेरे इश्क का जाग लगे, तेरी चौंकी मेरे वचनों से चले, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति देखूं माता श्याम कुर मोहिनी, तेरे शब्द का तमाशा। और भी छोटे छोटे से ही मंत्र हैं, उनका भी जाप कर सकते हैं। श्री माता श्याम कुर मोहिनी आए नमो नमः। और यह जो विधियां हैं, अगर आप इनको वस्त्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जैसे ये रुद्राक्ष की माला है, पहले ये बता दूं, एक एक मनके के ऊपर एक एक बार जाप करना, एक एक मनके के ऊपर। जैसे एक बार मंत्र बोल दिया, जैसे श्री माता श्याम कुर मोहिनी आए नमो नमः, एक मंत्र का जाप कर दिया, उसके बाद अगला मंत्र श्री माता श्याम कुर मोहिनी आए नमो नमः। ऐसे ही रुद्राक्ष की संपूर्ण एक माला का आपने जाप करना है। और अगर आप किसी वस्तु को सिद्ध करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि माता रानी की दिव्य शक्ति वहां से आपके साथ चले, तो यह जो विधि है 21 दिन की या 41 दिन की। अगर कोई स्त्री है तो वह 21 दिन इसी मंत्र का जाप करता रहे अपने घर में बैठकर, घर के बने मंदिर में ही। और अगर कोई पुरुष है तो वह 41 दिन करता रहे। और आप अपने घर का काम काज कैसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है, कोई मैं आपको चिल्ला निकालने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन रेगुलर आप जाप करते रहें। और जो वह लुभा भोग प्रसाद आप माता रानी को अर्पण करेंगे, किसी रविवार से भी ये जो विधियां हैं आप आरंभ किया करें, और सोमवार वाले दिन ये जो लुभा भोग प्रसाद है आप किसी पीपल वृक्ष की जड़ में या आंकड़े के पौधे की जड़ में, केले या केली के पौधे की जड़ में आप इसको रख कर आ सकते हैं। तो इससे माता रानी की दिव्य शक्ति आपके साथ चलना शुरू कर देगी। अगर किसी विशेष व्यक्ति के लिए आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो उसको अपने ध्यान में रखकर, उसकी जो तस्वीर है अपने मन में बसाकर, उसका नाम लेकर अरदास बेनती करें। पहले ओम का, गणपति का, धरती माता का, कुलदेव कुलदेवी का ध्यान धरने के बाद फिर इस मंत्र का जाप करें। और इस मंत्र जाप के बाद जैसे 21 दिन हो जाएंगे, 41 दिन हो जाएंगे, उसके बाद आपने कुछ वस्तुओं को वहां पर रख देना है, जिससे आपको वह जो प्रचंड शक्ति है सम्मोहन करने वाली, उसकी आपको प्राप्ति होना आरंभ हो जाएगा। लेकिन पहले 21 दिन और 41 दिन आपको इस विधि की पालना करनी पड़ेगी, तो वाक सिद्धि हो जाएगी, पूर्ण रूप से माता रानी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाएगा, अनुभव होना शुरू हो जाएगा माता श्याम कुर मोहिनी का। तो सबसे पहली जो है, जिससे शुक्र का प्रभाव, वैसे भी अगर हम वैसे भी सप्तक की माला अपने गले में धारण कर लें तो वैसे भी माता रानी का आकर्षण होना आरंभ हो जाता है, लेकिन इन मंत्रों के द्वारा अगर हम सिद्ध करने के बाद जो वह आपने दीपक वगैरह रोशन किया उसके ऊपर से 7 बार इसको घुमाकर क्लॉक वाइज, और उसके बाद इन मंत्रों का जाप करने के बाद अगर हम अपने गले में धारण करेंगे तो आपके साथ ये वशीकरण करने वाली शक्ति रहेगी। और जो आपके दिल में होगा कि जिसको भी आप पाना चाहते हैं तो वह आपके बिन रह नहीं पाएगा। माता श्याम कुर मोहिनी से उसके बाद आपने अरदास ही करनी है केवल के माता रानी ये मेरा काम है आप सिद्ध करो। और उसके बाद ये जो मंत्र है इसका रेगुलर आप जाप करते रहें, कभी कभी भोग प्रसाद देते रहें। ऐसे ही माता रानी का ये वशीकरण ताबीज आप खुद घर बैठे बना सकते हैं, 20 या 34 यंत्र बना लें। चैनल के ऊपर काफ़ी वीडियो डाली हुई है कि कैसे आप यंत्र तैयार कर सकते हैं। यंत्र तैयार करने के बाद ऐसे ही मंत्रों का जाप करने के बाद इसको अपने गले में धारण कर सकते हैं। और मधु शहद वाला यंत्र आप कैसे, अगर कोई व्यक्ति आपसे रूठ कर कहीं दूर चला गया है
और उसकी आप वापसी चाहते हैं, तो उसके लिए जो है मधु शहद मधु लेकर उसके बाद उसमें एक ताबीज चौंकती है, जब इस ताबीज में डाला जाता है विधि के अनुसार, और उसके बाद आप इस इन्हीं मंत्रों के द्वारा आप इसको अपने घर में रखेंगे तो बाहर जाने वाला व्यक्ति तुरंत वापस आएगा आपके पास, कहीं पर भी होगा आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाता ऐसा ही। और उसके बाद जो प्रचंड शक्ति जिससे आपको प्राप्त होती है, जिससे माता श्यामपुर मोहिनी भी पूर्ण रूप से प्रसन्न होती है, वो होता है इतर, कपड़ों के ऊपर लगाने वाला इतर। मंत्रों के द्वारा सिद्ध करने के बाद ये जो इतर जब आप अपने कपड़ों के ऊपर लगाएंगे, जब उस व्यक्ति के सामने आप जाएंगे तो वह व्यक्ति आपके बिन रह नहीं पाएगा। और इसी वशीकरण शक्ति के द्वारा आप सामग्री को भी सिद्ध कर सकते हैं। हवन सामग्री की काफी चीजें मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि वशीकरण की सामग्री हम कैसे तैयार करें घर में ही, तो वो आप साधना समाधान चैनल भरकर तो आप उसकी जानकारी ले सकते हैं, ये जो वशीकरण सामग्री होती है। तो इसकी धुनी जब आप अपने घर में देते हैं उस व्यक्ति का नाम लेकर, तो पूर्ण रूप से आकर्षण होता है और वह व्यक्ति आपके बिन रह नहीं पाता। लेकिन 21 दिन की जो विधि होती है, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला होता, ये जो सामग्री है 21 दिन जब आप इसकी धुनी देते हैं तो पूर्ण रूप से आपसे मिलने के लिए उस व्यक्ति के दिल में तड़फ पैदा हो जाती है। और देखो ये धागा सूत्र ताबीज अपने साथ रखने से ये जो माता श्यामपुर मोहिनी की दिव्या शक्तियां हैं जे आपके साथ चल सकती हैं। इससे आप किसी को भी वश में कर सकते हैं, किसी का भी आकर्षण कर सकते हैं। लेकिन सही कार्य के लिए अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तभी आपको इन शक्तियों की प्राप्ति होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये जो दिव्या शक्ति है आपको खुद ही प्राप्त हो जाए, तो जो मैंने आपको विधि बताई है ऐसे ही रुद्राक्ष की आप माला लें, ऐसे आप जाप करें, रेगुलर घर में बैठकर आप जाप करना शुरू कर दें, किसी मंत्र का भी जाप करना शुरू कर दें। माता श्यामपुर मोहिनी को आपने तो जागृत करना है, माता रानी को हाजिर करना है, आपको स्वप्न में भी दर्शन देगी, आपको साक्षात भी दर्शन दे सकती है माता श्यामपुर मोहिनी इन दिव्या शक्तियों के द्वारा। तो आपके साथ रहकर आपका साथ देगी माता श्यामपुर मोहिनी, किसी को भी वश में कर सकते हैं उसके बाद। और इससे ऐसा नहीं कि आप किसी विशेष व्यक्ति के लिए ये वशीकरण कर रहे हैं, इससे ऐसा वशीकरण होगा कि समाज में आपका मान सत्कार भी बढ़ेगा इससे, जब आप इन चीजों को अपने साथ रखकर जाएंगे। तो शत्रु से भी देखो, शत्रु से जो आपका दुश्मन है ना, जो आपकी बुराइयां करता है, अगर श्यामपुर मोहिनी की ये शक्तियां आपके साथ रहें, ये धागा सूत्र ताबीज पहनकर जब आप जाएंगे इन शक्तियों की प्राप्ति करने के बाद, तो शत्रु से भी आपकी प्रशंसा करवा सकती है माता श्यामपुर मोहिनी। लेकिन पहले जागृत करना पड़ेगा, उसकी दिव्या शक्ति को जगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि ऐसी कुछ उठाकर दे दिया आपको और वशीकरण होगा, ऐसे नहीं होता। जब उसकी शक्ति को जागृत करते हैं, उसका लुभा भोग प्रसाद देते हैं, तभी आपके साथ ये वशीकरण शक्ति चलती है, तभी आप किसी को अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं जिंदगी भर के लिए। तो आपको ये जानकारी बहुत बढ़िया लगी होगी, तो ऐसी ही और जानकारियों की प्राप्ति करने के लिए आप साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें, ताकि हम जो भी अपडेट डालते हैं आपके लिए तो उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नया टॉपिक लेके एक नई अपडेट के साथ, अब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं, गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन मन चाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।